आपका फिर स्वागत है। सोचें सूचना जरूरी के इस दूसरे पार्ट में अब है गपशप और खुलासा। पहले राजनीति और राजकाज की गपशप। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बैंकों से लोगों को पूरी नकदी नहीं मिल रही है और एटीएम खाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बड़ी साजिश का हिस्सा है। भाजपा के कई और नेताओं ने और सरकार समर्थकों ने सोशल मीडिया में कहा कि इसके पीछे साजिश है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में भी भाजपा नेताओं का कहना है कि यह साजिश। उनका कहना है कि भाजपा राज्य सरकार और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश की गई। यह घटना जनवरी की है और सबसे सक्षम सरकार को समय रहते इसका भी पता नहीं चला। भाजपा के कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना को भी साजिश बताया है, पर उसकी भी जानकारी पहले से नहीं थी। 2 अप्रैल को देश भर में दलित संगठनों के बंद के दिन देश भर में भारी हिंसा और 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। सरकार और भाजपा नेताओं ने कहा कि साजिश हुई है। संसद का बजट सत्र नहीं चल सका तो सरकार और भाजपा नेताओं ने कहा कि साजिश हो रही है। सवाल है कि अधमरा विपक्ष या दूसरी ताकतें कैसे इतनी साजिश रच दे रही हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि सरकार को न तो इसकी जानकारी हो पा रही है और न वह इसे रोक पा रही है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की राजनीति से कई प्रदेशों के क्षत्रप नेता बेचैन हुए और कांग्रेस पार्टी भी परेशान हुई है। उन्होंने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ तालमेल कर लिया है। दोनों पार्टियों ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तालमेल का ऐलान कर दिया है। इसी तरह बसपा ने कर्नाटक में एसडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ तालमेल कर लिया है। वहां भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाजपा से जीवन मरण की लड़ाई लड़ रही है। बसपा के जेडीएस से तालमेल करने से कई इलाकों में उसका हिसाब गड़बड़ाया है। हरियाणा में उनकी पार्टी के साथ तालमेल की घोषणा करते हुए अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर मायावती का चेहरा अगले चुनाव में पेश करना चाहिए। अपना अपना चेहरा पेश करने की होड़ में लगी ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक कई नेताओं की चिंता बढ़ी है। उनको लग रहा है कि इस राजनीति से निजी तौर पर तो उनको झटका लगेगा ही, साथ ही विपक्ष का मजबूत गठबंधन बनाने की संभावना पर भी असर होगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस के अंदर सहमति नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका विरोध किया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए और पार्टी से अनुरोध किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाए, पर अब फिर कांग्रेस ने इसे ठंडे बस्ते से निकालकर इस पर चर्चा आगे बढ़ा दी है। पिछले सत्र के दौरान लाए गए प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले करीब 1 दर्जन राज्यसभा सांसद रिटायर हो गए, पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ वकील नेताओं की जबरदस्ती से फिर यह प्रस्ताव चर्चा में आया है। कांग्रेस ने इस पर विचार के लिए शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने पर संशय है। सीपीएम की पार्टी कांग्रेस हैदराबाद में हो रही है, इसलिए उसके प्रतिनिधि नहीं आ पाएंगे। एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस में भी इसे लेकर बहुत उत्साह नहीं है। कांग्रेस खुद ही बटी हुई है, फिर भी महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार होगा। माना जा रहा है कि इसी बहाने कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के प्रयास को भी आगे बढ़ा रही है। इसी बहाने वह विपक्षी पार्टियों की एकता की थाह भी ले पाएगी। कई नेता यह भी मान रहे हैं कि प्रस्ताव फिर ठंडे बस्ते में ही जाएगा। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है तो और छोर क्या कुछ है, इसे समझने के लिए आप देखें आज का खुलासा। लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा फिर शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले यह चर्चा बंद हो गई थी। पिछले महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में यह संकेत दिया था कि सभी चुनाव समय पर होंगे, पर अब विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद यह चर्चा फिर शुरू हो गई है। इस बार कहा जा रहा है कि सारे चुनाव को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और पहले 2 चरण में चुनाव कराए जाएं और फिर 2024 में दोनों चरण को मिला दिया जाए। इस योजना के मुताबिक लोकसभा और 13 या 14 राज्यों के चुनाव 2019 के अप्रैल मई में हों और बाकी राज्यों के चुनाव 2021 के अंत या 2022 के शुरू में हों। फिर दूसरे चरण वाले राज्यों में चुनी गई विधानसभा को 2024 में भंग कर दिया जाए और एक साथ सभी राज्यों में चुनाव हो जाए। यह प्रस्ताव सबसे पहले नीति आयोग ने तैयार किया था। ऐसा लग रहा है कि विधि आयोग ने हूबहू उस प्रस्ताव को उठा लिया है और अपनी सिफारिश के साथ इसे सरकार और चुनाव आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव में कई बुनियादी खामियां हैं, जिनमें से कई तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के ही विरोध में है। नीति आयोग या विधि आयोग के सुझाव दुनिया के 3-4 देशों की चुनाव प्रणाली पर आधारित है। इसमें ब्रिटेन के 2011 में बनाए एक नियम का खास तौर से जिक्र है। वहां 2011 में यह नियम बना था कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल तय रहेगा। भारत में भी कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं को कार्यकाल से पहले भंग नहीं किया जाए, यानी वे 5 साल तक हर हाल में चलेंगी और अगर इस अवधि के बीच सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो एक सकारात्मक विश्वास प्रस्ताव भी लाना होगा। यानी अगर सरकार गिरानी है तो नई सरकार की रूपरेखा भी पेश करनी होगी। सिद्धांत
सैद्धांतिक रूप में यह बात गलत नहीं है, पर सवाल है कि अगर कोई सरकार खुद ही चुनाव में जाना चाहे और लोकसभा या विधानसभा को भंग करके जनादेश लेना चाहे तो उस स्थिति में क्या होगा। इस मामले में भी ब्रिटेन की ही मिसाल दी जा सकती है। वहाँ प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने पिछले साल हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करके मध्यावधि चुनाव करा दिया, जबकि तय कार्यकाल का नियम लागू हुए महज 6 साल हुए थे। वैसे भी अगर सरकार सदन नहीं भंग कर सकती है और सकारात्मक विश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सरकार में आ जाए तो लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा मजाक की बात क्या हो सकती है। इस तरह से तो जनता की इच्छा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वह जिसे सरकार चलाने के लिए चुनेगी वह विपक्ष में आ जाएगा और जिसको हराएगी वह सरकार चलाने लगेगा। भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से वैसे भी यह प्रस्ताव विचार के योग्य नहीं है कि सभी राज्यों में एक साथ चुनाव हो। भारत में हर राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर सबका चुनाव लोकसभा के साथ होगा तो वह व्यक्ति के चेहरे और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगा, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। इससे लोकसभा का चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की तरह हो जाएगा और राज्यों के चुनाव भी उसी लाइन पर होंगे। राज्यों का चुनाव अलग होता है तो उस राज्य के प्रादेशिक मुद्दे फोकस में होते हैं और साथ ही बिल्कुल स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर कभी साथ चुनाव की बात हो तब भी यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव अलग हो और राज्यों के चुनाव अलग हों। बेशक सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हों, लेकिन उन्हें लोकसभा के साथ नहीं कराना चाहिए। इसमें कई व्यावहारिक मुश्किलें भी हैं, जैसे एक साथ चुनाव कराने पर दोनों के लिए मतदान केंद्रों और मतदान कर्मियों की संख्या दोगुनी करनी होगी या मतदान का समय बढ़ाना होगा, नहीं तो एक जगह दो दो ईवीएम रखने से मतदान प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। लोगों में यह सोच तो है कि बार बार चुनाव होने से परेशानी होती है, विकास के काम ठप हो जाते हैं, लगातार राजनीति होती रहती है और पार्टियां व सरकारें लोगों को खुश करने के प्रयास में लगी रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत की विविधता, बड़ी आबादी और मतदान के सामान्य ट्रेंड जैसी कई चीजों का आकलन करने की भी जरूरत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के जिन देशों में 100-200 साल से लोकतंत्र चल रहा है और चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी अस्थिरता और अनिश्चितता रहती है। कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं होता है, सो सिर्फ इसलिए कि एक साथ चुनाव का विचार बहुत अच्छा है, आंख मूंद कर इस पर अमल करने लगना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। एक साथ चुनाव कराने और लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल से पहले भंग नहीं होने के प्रावधान से लोकतंत्र के फलने फूलने की संभावना खत्म हो जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 0971774832 पर मुझे भेजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।